हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रोफेसर अनिकेत गरुड़, और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईकॉम कंपनी का, आईकॉम अमेरिका कंपनी का IC2300H। बहुत ही ज़बरदस्त सेट है, मेरा पसंदीदा सेट है ये। VHF है सेट ये, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ये आप देख पा रहे होंगे, ये EXP01। EXP मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेट है। एक्सपोर्ट क्वालिटी, अमेरिकन क्वालिटी, जापानीज क्वालिटी, यूरोपियन वर्जन, ये सारे वर्जन होते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी में आप लोग 134 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 173 मेगाहर्ट्ज़ तक कोई भी फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर सकते हो, कोई भी फ्रिक्वेंसी पे रिसीव कर सकते हो। इस आईसी फैसिलिटी इस सेट में है। लीगली देखा जाए तो आप लोगों को इंडिया में 2020 में, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 144 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 146 मेगाहर्ट्ज़ तक ये 2 मीटर वाला बैंड अलोकेट किया गया है। तो मैं इसे फटाफट ओपन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। ओके, सो ये अब यहाँ पर रख दिया है मैंने, ये फटाफट बाजू में डाल देता हूँ। ये थोड़ी जगह चेंज कर दी है, मैं ये आपको, इसका ये PTT है, इसको फटाफट मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये इसका मैनुअल है, ये इसे हम लोग बाजू में रख देते हैं। इसका वायर है, वायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वायर आता है इसका, ये देखिए, बहुत ही जाड़ हेवी ड्यूटी वायर है इसका। इसको इन लोगों ने ये फ्यूज़ भी दे रखे हैं, ऑलमोस्ट 20 एम्पेयर के फ्यूज़ होते हैं इसके। बहुत ही हेवी ड्यूटी वायर है इसका। ये माइक भी मुझे बहुत पसंद आया है ये, जी हाँ। अब मैं आपको इसका मेन सेट, जो आप बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर इसके अंदर ये स्टैंड है, स्टैंड भी काफ़ी ज़बरदस्त कड़क है स्टैंड इसका। ये स्क्रूज़ है इस स्टैंड को फिट करने के लिए, और इसी के साथ एक फ्यूज़ भी दे रखा है इन्होंने। अगर फ्यूज़ उड़ गया तो आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये हम बाजू में रख देते हैं। तो अब मैं आपको ये सेट दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सेट है ये। ये मेड इन जापान सेट है। ओके, इसको फैन बिन की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मुझे तो ये सेट पसंद आता है, बहुत ही हेवी है ये सेट। यहाँ पर ये एंटीना कनेक्शन के लिए दे रखा है, जी हाँ। अब मैं इसको फटाफट इंस्टॉल करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। ये जो सेट है, ये इसमें पावर आउटपुट के 4 सेटिंग्स अवेलेबल हैं। हम लोग पहला सेटिंग देखते हैं, लो पे कितना आउटपुट देता है, अब हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पर ट्रांसमिट कर देता हूँ, जी हाँ। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 5W आउटपुट मिल रहा है हमें। ओके, सो इसका 5W आउटपुट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मिड, लो मिड करके इसका सेटिंग है। लो मिड सेटिंग में इसका 10W आउटपुट होना चाहिए। टेस्टिंग, यस, जी हाँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये 10W आउटपुट दे रहा है हम लोगों को। ओके, अब हम लोग इसका वैट आउटपुट बढ़ाएंगे। यहाँ से मिड पे आ गया है, मिड पे ये 25W आउटपुट देना चाहिए, 25W आउटपुट देना चाहिए। 20W आउटपुट दिखा रहा है यहाँ पे। चलो थोड़ा सा हम लोग इसको एक्यूरेसी और बढ़ा कर देखते हैं, जी हाँ। सो अब आप देख पा रहे होंगे, जी हाँ, बराबर परफेक्टली ये 25W आउटपुट देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बहुत ही मेड इन जापान का जो भी मॉडल्स होते हैं, ये आईकॉम हो गया। देखो, सबसे पहले केनवुड, आईकॉम, याइसू, ये सभी बहुत ज़बरदस्त मॉडल्स हैं। हमने एलिन को भी देख रखा है। बस 19-20 का फ़र्क होता है इन मॉडल्स में, लेकिन इनकी एक्यूरेसी, इनका जो बिहेवियर है, 20-20 40-40 साल तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ये इतने ज़बरदस्त मॉडल्स होते हैं। चलो लास्ट का सेटिंग हम लोग अभी करते हैं,
टेस्टिंग 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 1 2 3 4 1 2 3 4 टेस्टिंग 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 1 2 3 4 1 2 3 4 टेस्टिंग चेक चेक चेक। जी हाँ, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका वाकई में 65 वाट आउटपुट है। जब ये लार्ज स्केल पर हम लोग इसको डाल रहे हैं तो थोड़ा सा 5 वाट आउटपुट का डिप्लेक्शन आ रहा है, उतना चलता है, लेकिन इससे ये सेट से आपको उतना मिलता है। देखो ये गर्म भी नहीं हुआ है, मैं बहुत ही इजीली इसको छू सकता हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है, काफ़ी बढ़िया बात है ये लगी मुझे इसकी। ठीक है, वैसे तो ये सेट थोड़े बहुत गर्म होते ही हैं भाई, ट्रांसमिट जो हम लोग अच्छी तरीके से करते हैं। सो टेस्टिंग 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 1 2 3 4 1 2 3 4 टेस्टिंग 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 1 2 3 4 1 2 3 4 टेस्टिंग चेक 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 1 2 3 4 1 2 3 4 चेक चेक चेक। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को ये सेट पसंद आया होगा। थैंक यू।